हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज मैं एक लव स्टोरी के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ, जिसे फिल्मी दुनिया में बहुत पसंद किया गया। फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अभिनेता दिलीप कुमार पर्दे पर जितने दिलचस्प और रंगीन रहे, उतनी ही दिलचस्प उनकी पर्दे के पीछे ज़िंदगी रही। मधुबाला से मोहब्बत, शायरा बानो से शादी। तो दिलीप कुमार साहब मधुबाला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, पर मधुबाला के पिता की वजह से दोनों का प्यार अधूरा रह गया। माना जाता है कि 1951 फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। जब फिल्म शुरू हुई तो मधुबाला महज 18 साल की और दिलीप कुमार साहब 29 साल के थे। मधुबाला जी के पिता अतुल्ला खान को दिलीप कुमार से उनका रिश्ता पसंद ना था। दिलीप कुमार साहब और उनके पिता में किसी केस को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ आ गई थी और दिलीप कुमार साहब उनके पिता का फेवर ना ले सके, यही वजह दोनों के बीच की दूरियाँ थी। इस केस के बाद भी हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक मूवी मुगले आजम में दोनों ने अपना किरदार बखूबी निभाया। हालांकि उस समय दोनों के रिश्ते खराब हो चुके थे, दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिल्म के किरदार को एक अलग ही अंजाम दिया दोनों ने। वेल, इस फिल्म के बाद दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी अलग हो गए। तो ये थी उनकी स्टोरी, और इस स्टोरी को मैं मुगले आजम की एक लाइन के साथ एंड करना चाहूँगी कि मोहब्बत हमने माना ज़िंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। वाकई में इन दोनों की स्टोरी को लोग बहुत याद करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये थी आज की लव स्टोरी। फिर से मैं आपके सामने किसी और स्टोरी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।